वेलकम टू टाइम स्क्वायर ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही थी एलटी साइंस पशुधन प्रचार अधिकारी और बंद रोगा की, इसमें मैं आज पार्ट थ्री लेकर के आया हूँ। और मैंने आपको पार्ट टू में कहा था कि मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करूंगा पार्ट थ्री में। लेकिन दोस्तों, जब मैं बुक पढ़ रहा था तो मुझे बहुत सारे बेसिक्स जेनेटिक्स की कुछ बेसिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन मिले जो बुक में एज इट इज तो नहीं लिखे होते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने बहुत सारी एमसीक्यू बुक में देखा है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैंने कुछ और क्वेश्चन लिए हैं, जो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी में, कुछ हैं थोड़ा हायर लेवल के हैं, ठीक है, जो एटी के लिए हमारे काम आएंगे, ठीक है। तो आज मैं कुछ बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स के कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसके बाद कल हम डायरेक्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये पहला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पार्ट वन में भी बताया था। मैंने रिपीट इसलिए किया इसको क्योंकि मैंने इसको कंप्लीट नहीं बताया था वहां पर, ठीक है। तो मेंडल ने मटर के पौधे के साथ जोड़ी विपर्यासी विशेषक या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का अध्ययन किया, यह कितने क्रोमोजोम पर था। तो मैंने कहा था कि यह कितने क्रोमोजोम पर था, चार। विपर्यास विशेषक या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मतलब विपरीत लक्षण, विपर्यासी लक्षण का अध्ययन किया था उसने, वो क्या था, चार क्रोमोजोम पर। यह मैंने पार्ट वन में भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसमें बाकी का मैं नहीं बताया था वहां पर। देखिए आगे, देखिए मटर के पौधे में नंबर ऑफ क्रोमोजोम डिप्लॉयड कंडीशन होते हैं 14, ठीक है ना, ठीक है, 2n इक्वल टू हो जाएगा यानी कि 14। और नंबर ऑफ हैप्लॉयड क्रोमोजोम होते हैं n इक्वल टू 7। तो नंबर ऑफ हैप्लॉयड क्रोमोजोम कितने होंगे, n इक्वल टू 7 होंगे, किसमें, मटर के पौधे में, पाइसम सेटाइवम में, ठीक है। अब बात है कि जो ये सात विपर्यासी विशेषक या सात जोड़ी विपरीत लक्षण, विपर्यासी लक्षण थे, ये किन किन क्रोमोजोम पर थे। ये हायर लेवल का क्वेश्चन है और एलटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले चार क्रोमोजोम पर इन्होंने अध्ययन किया था, और उन चार क्रोमोजोम पर किन किन क्रोमोजोम पर ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, ये मैं इस क्वेश्चन में आपको बताना चाह रहा था। तो सबसे पहले क्रोमोजोम नंबर वन, क्रोमोजोम नंबर वन पर कौन कौन से कैरेक्टर थे, एक था फ्लावर कलर और दूसरा था सीड कलर, ठीक है भाई। क्रोमोजोम नंबर फोर पर था फ्लावर पोजिशन, पोड शेप यानी कि फली का, फली की आकृति, ठीक है ना, हाँ, पोड शेप और प्लांट हाइट, प्लांट की जो हाइट है वो थी क्रोमोजोम नंबर फोर पर था। उसके बाद क्रोमोजोम नंबर फाइव पर था पोड कलर यानी कि फली का रंग, और क्रोमोजोम नंबर सेवन पर था सीड शेप, ठीक है। ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा, वो एक तरफ ये क्रोमोजोम दे देगा चार, और दूसरी तरफ ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो है ये इनको दे देगा और बोलेगा कि मिलान करो। और श्योर है भाई 80% चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, और मैंने देखा है एमसीक्यू बुक में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करना चाहा यहाँ पर, ठीक है। तो ये देख लेना भाई कौन सा, कौन से ट्रेट्स, कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स किस क्रोमोजोम पर थे, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन दोनों अलग अलग क्रोमोजोम पर है, फ्लावर कलर तो क्रोमोजोम वन पर है, लेकिन फ्लावर पोजीशन क्रोमोजोम नंबर फोर पर है। ऐसे ही सीड कलर तो क्रोमोजोम नंबर वन पर है, लेकिन सीड शेप जो है वो क्रोमोजोम नंबर सेवन पर है, ठीक है। तो इस तरह से इसको देख लीजिएगा। आगे है मेंडल, मैं ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया यहाँ पर, सॉरी, मेंडल ने प्रयोग किए गार्डन पीपर, पाइसम सेटाइवम, ठीक है। लेकिन हाँ, इसीलिए मैंने इसको रिपीट किया ताकि मैं दोनों चीज़ों को एक साथ बता सकूँ आपको, ठीक है। तभी मैं कह रहा मैंने इसको रिपीट क्यों किया, बैटसन एंड पुनेट ने प्रयोग किए। अब एक और साइंटिस्ट थे जेनेटिक्स में जिनका बहुत बड़ा योगदान है मेंडल के बाद, वो है बैटसन एंड पुनेट। पुनेट वही पुनेट है भाई जिन्होंने चेकरबोर्ड की अवधारणा दी थी, ठीक है। बैटसन और पुनेट ने प्रयोग किए थे स्वीट पीपर किए थे, और इसका जो कॉमन नेम, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब जगह पूछा जाता है। स्वीट पीपर किया था बैटसन एंड पुनेट ने जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है। आता है क्वेश्चन एक कोई दो अन्य वैज्ञानिक जिन्होंने जो है कि जेनेटिक्स में अपने प्रयोग किए थे, किस पर किए थे, तो गार्डन पीपर नहीं किए थे, स्वीट पीपर किए थे, और इसका जो कॉमन नेम है, इसका जो सॉरी साइंटिफिक नेम है, वो है लेथायरस ओडोरेटस, ठीक है। अगला आता है सर्वप्रथम किसने दर्शाया कि जीन क्रोमोजोम पर स्थित होते हैं। तो सबसे पहले दर्शाया, ये भी एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है, वो है मॉर्गन ने दर्शाया था भाई, ठीक है। मॉर्गन ने सबसे पहले कहा था कि क्या है, जो जीन होते हैं वो क्रोमोजोम पर स्थित होते हैं, और इन्होंने इसका प्रयोग किया था ड्रोसोफिला पर, और ड्रोसोफिला का पूरा नाम है
ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, ठीक है, और इसका कॉमन नेम है फ्रूट फ्लाई, इसको कहते हैं हम, ठीक है। और जो मार्गन है, मार्गन को हम फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स भी कहते हैं भाई, फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स भी कहा जाता है इसको, ठीक है, जेनेटिक्स मॉर्गन। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बीएससी की बुक से मैंने लिया है, यहीं पर मैंने दिखा दिया क्योंकि आपके एलटी वगैरह के काम आ जाएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, बुक में था भाई, ये एमसीक्यू बुक में थे, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैंने देखे हैं, और पुराने पेपरों में आ चुका है ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन। अब आता है क्रॉसिंग द हाइब्रिड इज रेसेसिव स्टॉक इज नोन है, जिसने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी उसको तो ये क्वेश्चन आ गया होगा, यानी कि जब हम क्या करते हैं हाइब्रिड संतति की रेसेसिव स्टॉक, यानी अप्रभावी पेरेंट के साथ हम क्या करते हैं जब क्रॉस कराते हैं तो उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, बाद में लिख देना। अगला क्वेश्चन है इसमें, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज रिपोर्टेड इन, यानी कि गुणसूत्रों की सबसे बड़ी संख्या किसमें पाई जाती है, तो गुणसूत्रों की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है ऑफियोग्लोसम रेटिकुलम में, यानी कि इसमें जो टोटल गुणसूत्र होते हैं, नंबर ऑफ गुणसूत्र, नंबर ऑफ क्रोमोसोम टोटल जो होते हैं वो होते हैं 1260, और देखो किसी किसी बुक में 1262 भी लिखा हुआ है, एक एग्जाम में पूछा गया था, वहां पर उसने 1262 को सही माना था, कौन सा एग्जाम है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इस समय, ठीक है, 1260 या 1262 के बीच होता है। अगर हम इसकी पेयरिंग करें, जोड़े बना दें, टोटल तो 1260 है, तो पेयरिंग में 630 या 631 हो जाएगा, अगर 62 होगा तो 31 हो जाएगा। तो ये रफली देखो, अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे ना तो वहां पे भी लिखा होता है कि रफली रफली नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1260 है, रफली मतलब वो एग्जैक्ट नहीं बताता है, तो इसलिए इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम थोड़ा वेरी करते हैं 1260 और 1262 के बीच। वैसे वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जब भी एग्जाम में आएगा तो सिर्फ यही आएगा कि गुणसूत्रों की सबसे बड़ी संख्या किसमें पाई जाती है, तो ऑफियोग्लोसम रेटिकुलम में पाई जाती है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, मके का जंपिंग जीन खोजा था, मके का जो जंपिंग जीन खोजा था वो बारबर मैकलिंगटॉक ने खोजा था, बारबर मैकलिंगटॉक ने, यानी कि इसको अगर पढ़ना नहीं आ रहा हिंदी में तो इंग्लिश में पढ़ लो, यहाँ पर ये देखो बारबर मैकलिंगटॉक, बारबर मैकलिंगटॉक ने खोजा था मके का जंपिंग जीन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मके में मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स यानी कि गतिशील आनुवंशिक तत्वों की खोज, मके में मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स या मक्के में गतिशील आनुवंशिक तत्वों की खोज किसने की थी, वो भी इसी ने की थी भाई, ठीक है, बारबर मैकलिनटॉक ने, ठीक है। और ओपेरॉन कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था जैकब एवं मोनार्ड ने, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर कुछ कमी आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर अपनी कमियों को सुधारूंगा और नेक्स्ट टाइम जो है कि इम्प्रूव होकर के आऊँगा। तो दोस्तों तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट।